हेलो एवरीवन, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और देरी न करते हुए आज का टॉपिक भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक, मेरे जो सब्सक्राइबर है उनका कमेंट आया था कि हम नई शॉप खोल रहे हैं और जहाँ मैं शॉप खोलना चाह रहा हूँ वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे 3-4 दुकानें हैं, तो क्या मैं कॉस्मेटिक शॉप खोल सकता हूँ वहाँ पे? सो सब्सक्राइबर जी, हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1 किलोमीटर दूर आपकी शॉप यहाँ है। जैसे मेरी शॉप यहाँ पे है और 1 किलोमीटर दूर पे अगर 2-3 शॉप है तो मैं ना खोलूँ? आप डेफिनेटली खोलिए, क्यों नहीं खोलेंगे आप शॉप? उसमें क्या दिक्कत है? 1 किलोमीटर तो कहाँ हो जाता है, बहुत दूर होता है। और आप लगा लीजिए, अगर आप मेरे इस एरिया में रहते ना तो आप बोलते कि मैडम यहाँ जहाँ जिस एरिया में रहते हैं ना वहाँ पे आप कैसे मैनेज कर लेती हैं इतना कुछ? आप लोगों के एरिया में भी मार्केट्स लगते होंगे। मेरे यहाँ पे मंडे से लेकर संडे तक सारे मार्केट लगते हैं, बट कुछ कुछ जो डेज होते हैं उनमें सब्जी सब्जी का लगता है, और कुछ जो डेज है उसमें बहुत बड़े बड़े मार्केट लगते हैं। जैसे सोम बाजार जो लगता है बहुत ही बड़ा लगता है, और सब्जियों के साथ साथ कॉस्मेटिक शॉप की भी इतनी सारी दुकानें लगती है। खैर, पटरी का मार्केट तो पटरी का ही होता है, बट वहाँ पे भी लग जाती है। वीरवार में सब्जियाँ लगती है और शुक्रवार भी वैसे लगता है, और फिर सैटरडे को जो आ जाता है वो इतना बड़ा मार्केट लगता है कि क्या बताऊँ मैं आपको। मतलब मैं इतनी सारी चीज़ों को देखकर वो भी ऐसा नहीं है, मेरी ये शॉप है, मेरी शॉप सेंटर में है, मेरा चौराहा है। यहाँ पे 50 मीटर की दूरी पे इधर कॉस्मेटिक की शॉप है, और थोड़ा सा आगे चले जाइए इधर भी कॉस्मेटिक की शॉप है। और मेन मार्केट जो मैं बुद्ध बाजार बोल रही हूँ, उसका नाम ही बुद्ध बाजार है। वहाँ बुद्ध बाजार भी लगता है पटरी वाला, और वहाँ पे शॉप है जो उस गली का ही नाम बुद्ध बाजार है। तो वहाँ पे भी पूरी कॉस्मेटिक की ही शॉप है। और ये जो चौराहा है ना, यहाँ पे पूरा मतलब इतना कुछ है, तो इस चीज को मैं, सारी सिचुएशन को इतना हैंडल करके मैं ये कॉस्मेटिक शॉप चला रही हूँ। तो 1 किलोमीटर तो बहुत दूर हो जाता है, आप डेफिनेटली शॉप खोल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे आप बोल रहे हैं ना 1 किलोमीटर की दूरी पे मैं शॉप खोलूं या ना खोलूं, तो 1 किलोमीटर में आप डेफिनेटली खोलिए, आपकी बहुत अच्छी चलेगी। लोग 1 किलोमीटर दूर ना जाते हुए आपके पास ही आएंगे, और जब शॉप सामने मिलती है ना तो लोग सामने ही जाते हैं, और सारा सामान अगर उनको वहीं मिल जाए तो वहीं से ही लेना पसंद करते हैं, है ना, अच्छा सामान मिल जाए। और मैं तो अपना बताऊँ आपको कि मैं इस सिचुएशन में हूँ यहाँ पे कि ऐसे हैंडल करती हूँ शॉप को। पहले पहले तो मैंने सारा स्टैंडर्ड सामान रखा, ब्रांडेड आइटम रखा, ज़्यादा नहीं लाई थी मैं भी, 2-2 पीस लाई थी, वो तो शुक्र है 2-2 ही पीस लेकर आई थी मैं। और होना भी चाहिए कॉस्मेटिक शॉप में 2-2 पीस, मतलब ब्रांडेड लैक्मी का हो गया, ब्लू हेवन जो कंपनी है हमारी जो मतलब ज़्यादा निकलती है उसके कुछ कुछ पीस आपको रखने चाहिए। जाता है सामान, ऐसा नहीं है नहीं जाता है। तो फिर मैंने ये भी सोचा कि जब यहाँ पे मार्केट भी लग रहा है, सब चीज़ लग रही है, तो लोग जरूरी नहीं है कि मतलब मार्केट में ही जाए, अगर हम उस मार्केट का सामान ही अपनी शॉप में रख दें। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी शॉप में मेरे पास सस्ता प्रोडक्ट भी है और मेरे पास महंगा भी है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिंदूर, जैसे अपने से स्टार्ट कर लेते, बिंदी है तो ऐसा नहीं है कि मैंने बिंदी ज़्यादा ही रेट की रखी, मैंने 5 रुपये से बिंदी स्टार्ट कर रखी, क्योंकि लोग जो चढ़ाने वगैरह के सामान लेते हैं वो 5 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 5 रुपये के सारे आइटम निकल जाते हैं। तो वो 5 रुपये से जो पटरी वाले पसंद करते हैं वो भी मेरी शॉप में आ जाते हैं, और जो ब्रांडेड आइटम वाले पसंद करते हैं वो भी शॉप में आ जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने ये चीज़ को देखकर लगा, बहुत टाइम लगा, 1.5 साल हो गए, 1.5 साल में मतलब इतना टाइम लगा कि कैसे वो करे क्या करे। 6 महीने तक तो दुकान का अता पता नहीं था क्या करना है, सामान थोड़ा कम कम था, कैसे करे क्या करे, मतलब कभी होता था कभी नहीं होता था, शॉप की जो सेल थी वो ऐसी ऐसी रहती थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें क्या, अपनी ही जेब से जा रहा था। और थोड़ा अभी भी है कि अपनी जेब से ही जाता है, अब ये कि जब त्यौहार वगैरह आते तो बहुत अच्छे से हो जाती है सेलिंग, बट ये कि कुछ कुछ अभी जैसे रेंट हमारा निकल जाता है, कुछ कुछ सामान के लिए भी हो जाता है, पर ये कि जब ज़्यादा सामान भी लाना पड़ता है तो अपनी जेब से लगाना पड़ता है हम लोगों को पैसा। तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, तो सारी चीज़ों को जैसे जब मैंने मार्केट को सर्च किया, हर चीज़ इधर से उधर देखा कि मतलब क्या चीज़ हमारी मिसिंग हो रही है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि मेरी शॉप नहीं चल रही है, मैं क्या करूँ, 6 महीने हो गए हैं, साल भर हो गए मेरी शॉप नहीं चल रही, तो पता है क्या होता है कि ये जो कमी होती है ना ये थोड़ा हमारे ही अंदर है। जब हमने शॉप खोल के बैठे हैं हम,
हमारे पास ये सामान भी है वो सामान भी है, तो ये ऐसा क्यों नहीं चल रहा है। जब जब मेरे को 6 महीने हो गए, मैंने भी पता किया कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब सामान मैं दिखा रही हूँ, इतने सुंदर सुंदर क्लैचर्स लाई हूँ, बेबी के जो हेयर एसेसरीज है इतने प्यारे प्यारे से लेकर आई हूँ, कि क्यों नहीं जा रहे हैं। पर फिर जब क्योंकि हेयर एसेसरीज के बहुत सुंदर सुंदर इतने प्यारे प्यारे आते हैं, आप लोगों को भी पता है, मतलब हर चीज़ का जो मैंने चीज़ें रखी थी ना बहुत अच्छी रखी थी, ब्रांडेड लगी थी, थोड़ा कॉस्टली थी और अच्छी दिखने में भी बहुत सुंदर थी। फिर बाद में मेरे को पता चला कि नहीं, इन चीज़ों से नहीं होगा, हमें वैरायटी बनानी पड़ेगी, और ये नहीं कि वैरायटी हम महंगे महंगे प्रोडक्टों की ही बनाए, महंगे महंगी चीज़ों की बनाए, ये कि थोड़ा कम चीज़ों को भी, तो जैसे कि हर चीज़ों में वैरायटी आ जाती है, रेट भी आ जाए, वैरायटी वैरायटी मायने नहीं रखती, रेट भी रखता है, वैरायटी आप सस्ता प्रोडक्ट भी रखिए महंगा भी रखिए, मेरे तो यहाँ पे यही चलता है इसलिए। और यकीन मानिए कि जो जितने भी शॉप आते हैं ना, शॉप में आते हैं मेरी, तो वो लोग यही बोलते हैं कि बाजार जाने से अच्छा तो यहाँ हर चीज़ मिल जाता है उसी रेट पे, जब हर चीज़ मिल जाती है तो इतनी दूर क्यों जाना है। तो सारे आते हैं, और जैसे किसी को जैसे नवरात्र आता है और कई चीज़ें आती है, तो उनको 5 रुपये का सिंदूर चाहिए, 5 रुपये की बिंदी चाहिए, और नेल पेंट 10 रुपये वाला चाहिए, 5 वाला तो आज आता भी नहीं है आजकल है, और आएगा भी तो मैं रखती भी नहीं क्योंकि वो सूख जाता है। चीज़ें मैं 10 रुपये वाली वही रखती हूँ, जब नवरात्र आता है, करवा चौथ आता है, कि देने वेने का काम जब आता है मैं तभी लेकर आती हूँ, एक एक दो दो दर्जन वो उस बीच में चला जाता है, और अगर हम 10 रुपये वाली रखेंगे तो सूख जाता है। तो कस्टमर आता है 10 वाली मांगता है, तो मैं उनको भी यही करती हूँ, अगर आपको देने के लिए चाहिए तो आप 10 वाली ले जा सकते, बट जब अपने लिए यूज़ आप कर रहे हैं, और जब अपने लिए यूज़ कर रहे तो आप एक दिन लगाएंगे शादी में, अगले दिन 24 घंटे तो नहीं लगाएंगे, फिर रख के सूख जाती है, तो इसलिए लीजिए, अच्छा लीजिए, और ऐसे कि अच्छा लीजिए और अच्छा आपका चलेगा भी, कि आपकी 6 महीने 1 साल अच्छे खासे खिंच जाएगी, ऐसा नहीं है कि सूखेगी। तो इस तरह से आप लोग कस्टमर को समझाइएगा तो अच्छे खासे चल जाएगी आपकी शॉप। आप क्या करना ना, अपना एरिया सर्च करना कि जो शॉप है वो कैसी शॉप है, उधर 1 किलोमीटर जो शॉप है वो कैसी शॉप है, और आप जहाँ पे शॉप खोल रहे हैं अगल बगल में शॉप है या नहीं है, तो आपका तो बहुत अच्छा चलेगा। आप सारी चीज़ें रखिएगा, यहाँ तक कि एक चीज़ मत रखिएगा, कॉस्मेटिक ही कॉस्मेटिक मत रखिएगा, और चीज़ भी ऐड कर लीजिएगा जो आपके उस एरिया में नहीं है। कॉस्मेटिक शॉप में बहुत चीज़ें ऐड अगर हो जाएगी ना तो बहुत अच्छा से चलता है। मुझे ऐसे लगता है कि जिस सिचुएशन में मैं थी कि हाँ भाई मेरे साथ ये हुआ कि ये सामान भी लेकर आई तो ये रुक गया, ये चीज़ें हो गई, तो आप लोगों के साथ ना हो, इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। और आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट कमेंट का मुझे वेट रहेगा। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।